हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट एक्सेस पर। चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम जानेंगे कि डेटा एनालिसिस क्या होता है। डेटा एनालिसिस शब्द का अर्थ है डाटा का विश्लेषण करना, यानी डाटा को परखना। ये डाटा किसी भी प्रकार का और किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, जैसे कि मेडिकल का डाटा, कंस्ट्रक्शन का डाटा, या फिर किसी बड़ी संस्था या रिटेल का डाटा। लेकिन अब सवाल उठता है कि डाटा का विश्लेषण आखिर क्यों किया जाता है और इसकी क्या प्रक्रिया और है, तो उसे ये समझते हैं। डाटा एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रॉ और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में से उपयोगी जानकारियाँ निकाली जाती है, ताकि निकाली गई जानकारियों के आधार पर प्रभावी निर्णय लिया जा सके। डाटा एनालिसिस प्रक्रिया में डाटा का निरीक्षण, उसकी प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और मॉडलिंग शामिल होती है। इन सभी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर रॉ डाटा में से अपने काम की जानकारी निकाल ली जाती है, ताकि इस जानकारी के आधार पर बेहतर निर्णय लिए जा सके। इसका उदाहरण आप ठीक उसी तरह से ले सकते हैं जैसे अपने जीवन में हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले उसके बारे में विचार करते हैं। यदि अतीत में वह कार्य हमने किया है तो उसका विश्लेषण करते हैं, उससे कुछ सीख लेते हैं और फिर उसी के आधार पर आगे के कार्य के लिए निर्णय लेते हैं। यही एनालिसिस कहलाता है। डाटा एनालिसिस क्यों किया जाता है आखिर? डाटा एनालिसिस करने के पीछे का कारण सीधे तौर पर आज किसी भी बिजनेस का एक प्रमुख हिस्सा है, जहाँ पर बिजनेस के पिछले सारे डाटा का डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिस्ट के द्वारा विश्लेषण किया जाता है, और एनालिसिस की एक प्रक्रिया के द्वारा डाटा को प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद बिजनेस से जुड़ी उपयोगी जानकारियां प्राप्त की जाती है, जिन्हें प्रोसेस्ड डाटा भी कहा जाता है। इन उपयोगी जानकारियों से बिजनेस की पिछली रिपोर्ट मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे, उनसे बिजनेस को क्या फ़ायदा और नुकसान हुआ इत्यादि, और फिर इन्हीं आंकड़ों के अनुसार आगे के लिए उचित डिसीजन लिया जाता है। डाटा एनालिसिस की प्रक्रिया। किसी रॉ डाटा में से उपयोगी जानकारी निकालने के लिए डाटा एनालिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है जिसका पालन करने के बाद ही एनालिसिस पूरी तरह से हो पाता है। डाटा एनालिसिस प्रोसेस के अंतर्गत निम्नलिखित चरण शामिल हैं, जैसे कि यह डाटा एनालिसिस का सबसे पहला और मुख्य चरण है, जिसमें आपको अपनी ज़रूरत को समझना है, यानी किस प्रकार का डाटा एनालिसिस आप चाहते हैं और उससे क्या परिणाम की इच्छा रखते हैं। यह चरण का उद्देश्य है आपकी डाटा एनालिसिस की ज़रूरत को समझना होता है, जैसे क्या, कैसे और क्यों, ताकि स्पष्टता रहे। डाटा कलेक्शन। पहले चरण के बाद आपके सामने स्पष्टता आ जाएगी और इसका अगला चरण डाटा कलेक्शन का है। यह एक महत्वपूर्ण चरण होता है क्योंकि इसमें सही डाटा स्रोतों के चुनाव पर ही डाटा एनालिसिस का परिणाम निर्भर करता है। डाटा कलेक्शन में सबसे पहले इंटरनल सोर्स से डाटा जुटाया जाता है, जैसे कि CRM सॉफ्टवेयर, ERP सिस्टम, मार्केटिंग टूल्स इत्यादि से, जिनमें कस्टमर की जानकारी, वित्त की जानकारी और सेल्स इत्यादि की जानकारी रहती है। अब आते हैं दूसरे स्रोत, यानी एक्सटर्नल सोर्स, जिनमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों प्रकार का डाटा शामिल है। जिन्हें कई बार स्रोतों से इकट्ठा किया जाता है जो आपके ब्रांड से किसी भी रूप से जुड़े हो सकते हैं। डाटा क्लीनिंग के इस चरण में डाटा की सफाई की जाती है, यानी जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है वह पूरी तरह से उपयोग लायक है या नहीं, इसकी जानकारी भी ली जाती है। तो इसके लिए डाटा टीम द्वारा इस डाटा की क्लीनिंग और सॉर्टिंग की जाती है। यह डाटा एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसकी क्लीनिंग में सही परिणाम प्राप्त करने के लिए डुप्लीकेट असंगत डाटा को हटा दिया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार से एरर को हटा दिया जाता है। डाटा क्लीनिंग की इस प्रक्रिया के लिए विभिन्न टूल्स का उपयोग किया जाता है। अगला चरण है डाटा एनालिसिस। जब एक बार डाटा कलेक्ट, प्रोसेस और क्लीन हो जाए तो यह एनालिसिस के लिए तैयार हो जाता है। डाटा एनालिसिस की विभिन्न तकनीक उपलब्ध हैं, जिनमें से आप कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं वो आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। इस चरण में एनालिस्ट उनकी सभी तत्वों को ढूंढता है जो आपके टारगेट से संबंधित है, यानी इस चरण में डाटा में काफ़ी छेड़छाड़ और बदलाव किए जाते हैं, ताकि डाटा वेरिएबल में समानता ढूंढी जा सके, और इसके लिए सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अंत में आपकी ज़रूरत के अनुसार जानकारी निकाली जा सके। तो दोस्तों, हमें विश्वास है आपको जानकारी हो गई होगी कि डाटा एनालिसिस होता क्या है। यदि अभी भी इससे संबंधित आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।
बेस्ट ऑफ लक।